में भोजपुरी फिल्म इज्जत की जिंदगी का कुछ अंश की शूटिंग ओढ़नी डैम पर की गई। अभिनेता के रूप में आयुष कुशवाहा तो फिल्म की अभिनेत्री दिव्या यादव हैं। ये एक सामाजिक फिल्म है। इस फिल्म में अमीरी और गरीबी के भेदभाव को दिखाया गया है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले दहेज प्रथा को खत्म करना है। इस फिल्म के निदेशक बीएल प्रजापति और निर्माता आशीष कुमार पांडे और बीएन दुबे हैं। अभिनेता ने कहा कि मुझे जितना भी पैसा मिलेगा उसका 20% शिक्षा के क्षेत्र में बांका वासियों के लिए करूंगा। अभिनेता बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने लोगों से अपील की कि आप लोग परिवार के साथ फिल्म को एक बार अवश्य देखें। दिक्कत थोड़े है। ये जो फिल्म है भोजपुरी फिल्म आपकी इज्जत की जिंदगी, तो इसका मेन मकसद क्या है इस फिल्म को बनाने का, और आप इसमें एक अभिनेता के रूप में हैं, और आपका रोल क्या है इसमें? इस फिल्म में मैं लीड कर रहा हूँ एज ए हीरो, और ये मैं क्या बोलते हैं कि इस फिल्म में जो मेन मुद्दा है इसका, जो अभी बताया कि अमीरी गरीबी दहेज और रिश्ते के बीच नोकझोंक, इसके ऊपर पे ये बनाया गया है। तो आप इसमें क्या दिखाना क्या चाहते हैं समाज के लोगों को? समाज के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी इंसानियत होता है। इंसान से बढ़ करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि जान तो सबकी एक ही है। अब दहेज के कारण किसी को प्रताड़ित करके उसकी जान ले लेना, ये कहाँ का न्याय है? तो इसको खत्म किया जाए। नहीं तो इस फिल्म में आपका जो रोल है क्या है, यानी कि किस तरह से आगे दिखाते हैं आप अपने? मैं जो अमीर घर का लड़का रहता हूँ, और मैं जिसे शादी करता हूँ वो गरीब लड़की रहती है। वो लड़की को जब शादी करके लाते तो मेरी माँ का हमेशा ख्वाहिश होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लाए, साजो सामान लाए, पर उनके पास तो कुछ होता नहीं, एक अकेला बाप उनके पास होता है, तो क्या लेकर के बेचारी आएंगी। तो ये लोग चाहते हैं इसको इनको प्रताड़ित करें और ये यहाँ से भाग जाए, तो मार दें, फिर इनका दूसरा शादी कराएं और फिर दहेज लें। तो आपके हिसाब से इस फिल्म का जो है हमारे समाज में क्या असर होगा? इनका असर ये होगा कि इस प्रकार जो कुरीति अभी चल रही है, शायद उनको कुछ समझ में आ जाए कि नहीं, हम तो इतना देर में इनका कंक्लूजन दिखा रहे हैं कि ये होता है, तो कम से कम ये उनको पता चल जाए कि ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। जिनके दिल में चल भी रहा हो तो शायद वो अपना नया रास्ता अपना ले। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से समाज के बच्चों को या लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करते हैं, और ये फिल्म जब आती है तो इसका मैं 20% जो खुद का होता है आपके ऊपर, मैं आपके गरीब बच्चों के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करूँगा। अगर 2 कदम आप हमारे लिए चलते हैं तो 10 कदम मैं आपके लिए चलूँगा, और इस बाका के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, ताकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। एक अकेला आदमी क्या करता है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अमरपुर के पास पवई पड़ता है, मैं पवई से बिलोंग करता हूँ।